एवरीवन, वेलकम बैक टू चिन्मयीज लाइफस्टाइल। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। ऐसे मैंने दो वीडियोस डाल रखे पर ये मेरा पहला व्लॉग है। तो आज है 28 मार्च और कल होली है। तो कल मेरी पहली होली है शादी के बाद। आज हम बनाने जा रहे हैं फूड रेसिपीज कल के लिए। बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे गुलाब जामुन बनाती हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी अपने किचन में और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कल के लिए क्या क्या प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसमें रखा हुआ है गुजिया और चंद्रकला, इसको कहते हैं, और यहाँ पे मालपुआ बन के रखा हुआ है। कुछ कुछ पहले से सब्जी भी है, आई थिंक ये अभी बनेगी। और यहाँ पे मैं अब बनाऊंगी गुलाब जामुन, ये इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन। आप लोगों में से इसको बनाते हो या नहीं, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो गाइस, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुलाब जामुन को बनाना। तो मैंने ये लिया है निलॉन्स का इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन। और इसमें से कुछ ऐसा पैकेट निकलता है। मुझे पूरा बनाना है, आई थिंक इसमें 50 गुलाब जामुन बनेंगे तो मैं इसको पूरा लूंगी। अगर आप लोग को कम बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं। कुछ ऐसा है ये। अब इसको मैं ठंडे दूध में आटे की तरह गूंदूंगी। इलायची पाउडर दे रही हूँ ताकि टेस्ट आए इसमें। आप लोग घर पे कैसे बनाते हो गुलाब जामुन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वैसे ही कुछ ट्राई करूँ। ये तो बहुत मुझे सिंपल लगता है तो मैं ये इसको बनाती हूँ। तो गाइस, हमारा डो तैयार हो चुका है और अब इसको मैं छोटे छोटे लोई में बनाऊंगी, एकदम छोटा छोटा सा, ताकि गुलाब जामुन बड़ा हो। और 50 गुलाब जामुन मैं बनाने वाली हूँ। ये मैंने तेल लगा लिया। अब मैं छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाऊंगी, 50 बॉल्स। तो गाइस, ये हैं मेरे 50 गुलाब जामुन जो मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूंगी और एक साथ और एक तरफ मैं चाशनी का प्रिपरेशन करूंगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे कढ़ाई पे तेल डाल चुकी हूँ, इसको मैं गरम कर लेती हूँ, ठीक है। और इधर मैंने शुगर सिरप, आई मीन चाशनी के लिए प्रिपरेशन कर रखा है पहले से ही। इसमें थोड़ा सा मैं पानी और कुछ चीनी डालूंगी और इसको भी इस साइड इधर गर्म कर लूंगी, ठीक है। इसमें मैं एक बॉल पानी डाल दिया मैंने, अब इसको मैं गर्म कर लूंगी, फिर शुगर डालूंगी इसमें। और ये अभी गर्म हो रहा है हमारा यहाँ पे। इधर मैंने 3 कप्स चीनी निकाल के रखा, जब वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसको डाल दूंगी। और यहाँ पे अभी मैं इसको गर्म करूंगी, आई मीन फ्राई करूंगी। अब मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी गुलाब जामुन के बॉल्स जो मैंने बना रखे हैं ना, इसको लो फ्लेम पे रखेंगे और फिर मैं इसको धीरे धीरे डालूंगी।
शुगर डाल देती हूँ, ठीक है। और इसमें 3 कप शुगर है वो मैं डाल देती हूँ। इसको धीरे धीरे मैं चलाऊंगी ताकि चाशनी बहुत ही थिक बने, और गुलाब जामुन में डालूंगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये बस कुछ लास्ट बचे हैं मेरे, फिर मैं इसको उधर, चाशनी भी प्रिपेयर हो चुका है हमारा। अभी चाशनी प्रिपेयर हो चुका है तो अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगी। क्या आप देख सकते हो ये बन चुका है हमारा, तो मैं इसको बंद कर दूंगी। और बस गुलाब जामुन भी होने वाला है, बस थोड़ा सा 1-2 मिनट बाकी है। आई थिंक ये अच्छा खासा कंसिस्टेंसी में हो बन चुका है, तो मैं इसमें जो भी गुलाब जामुन है वो सारे डाल दूंगी। अब मैं सारे गुलाब जामुन इस चाशनी में डाल दूंगी, और ये 1 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही कवर करके रख देंगे ताकि ये और ज्यादा इसके बॉल्स में ये सारे चाशनी चले जाए इसके बॉल्स में, और फिर हम उसे उसके बाद फिर इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बना। अब इसको मैं यहाँ पे कवर कर दूंगी यहाँ पे। गुलाब जामुन हमारा बन चुका है, और कल हम लोग इसको टेस्ट करेंगे क्योंकि होली आज नहीं कल है। आप लोग भी अपने घर पे जरूर इसको टेस्ट करेगा और कमेंट करेगा कि कैसा बना था। आई होप आपको ये व्लॉग कम फूड वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।